दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2019। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन से 3 जोन है जहाँ पर सिलेक्शन आसान होगा, वो कौन से 3 जोन है जहाँ पर लोगों का कंपटीशन कम होगा, और वो कौन से 3 जोन हैं जहाँ पर सबसे आसानी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल के माध्यम से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा अच्छा एप्लीकेशन मेरे पास है जिसका नाम है रिवाइज मी। इसको आप प्ले स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते ही आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपना नंबर डालना है और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर जाना है। तो आइए लॉग इन करते हैं और देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए भाई, जैसे ही आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलकर आता है। इसमें आप सर्च कर सकते हैं आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। यहाँ पे आपके लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी। तो मान लीजिए आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने जीके, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर सबके अलग अलग पोर्शन हैं। मान लीजिए आपको करंट अफेयर देखना है तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन सिंगल प्लेयर खेलना है आपको या कई सारे प्लेयर के साथ आपको करना है। तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहां पे आपके सामने देखिए सवाल एक के बाद एक आते रहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं। तो यहां पर आप लोग सवालों के जवाब देकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 में लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा रिक्त पदों की भर्ती हो रही है। आप सभी को इस बात का अंदाज़ा है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 30 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। कुछ रेलवे जोन में छात्रों की संख्या अधिक है, जबकि कुछ रेलवे जोन में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कम है। रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई में सबसे कम आवेदन आया है। मुंबई मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो मुंबई में वैसे भी मेरिट कम रहती है। तो अगर आपने मुंबई से फॉर्म अप्लाई किया है तो आपके लिए खुशखबरी है, आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। आगे देख लेते हैं दूसरा कौन सा जोन है। एक सीट पर सबसे कम आवेदन के मामले में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई दूसरे नंबर पर है, जिस कारण से रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई का कटाव कम रहने की पूरी पूरी संभावना है। बात कर ले अगर हम तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर एक सीट पर सबसे कम आवेदन के मामले में दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता तीसरे नंबर पर है। तो दोस्तों बड़े बड़े जोन हैं, आप देख सकते हैं महाजोन जिनको बोल सकते हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ पर आवेदन करने वालों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितने की सीटें हैं, यानी कि पर सीट के लिए आवेदन यहाँ पर सबसे कम है। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आपने चेन्नई, मुंबई या कोलकाता से आवेदन किया है तो आपके सिलेक्शन सबसे ज़्यादा होने की संभावना है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।